नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर पैदल निरीक्षण किया और गर्जिया मंदिर पहुंचकर माता के दरबार में पूजा अर्चना की तथा प्रदेश में अमन एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। धामी रामनगर की बदली तस्वीर देखकर प्रफुल्लित हुए। G20 की मेजबानी के चलते मार्ग में जिन लोगों के अव्यवस्थित आवासीय भवन थे उनका सौंदर्यीकरण जिला प्रशासन द्वारा करने पर क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने आवासीय भवनों से फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री धामी द्वारा GIC ढेकुली विद्यालय का लोकार्पण किया गया। जिला प्रशासन द्वारा स्कूल का कायाकल्प देखकर धामी अचंभित हो गए। GIC ढेकुली स्कूल में सौंदर्यीकरण एवं फर्नीचर की व्यवस्थाएं उच्च कोटि के साथ सुसज्जित की गई है। इस विद्यालय को निजी विद्यालयों से भी कहीं अग्रिम पंक्ति पर खड़ा कर दिया है। धामी द्वारा विद्यालय की बालवाटिका एवं झूलों का भी निरीक्षण किया गया। ढेकुली विद्यालय एवं बालवाटिका देखकर धामी ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री धामी ने ढेकुली गर्जिया मंदिर पहुंचकर माता के दरबार में पूजा अर्चना की तथा प्रदेश में अमन एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। G20 सम्मेलन के बारे में कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक है। ये बैठक 5 महत्वपूर्ण बैठकों में से सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे प्रदेश की संस्कृति पूरे विश्व के अंदर जाएगी, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धामी ने गर्जिया मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्ताव सिंचाई विभाग को 15 अप्रैल तक देने के निर्देश दिए। वही धामी ने आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर गर्जिया से न्यू कॉबेट समाचार के लिए रोशनी पांडे की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। अरे मैडम एक मिनट चुप। मैडम मालूम नहीं, अभी मैंने भी यहाँ देखा है। जो हमारा मंदिर माला मिशन है, मानस गंज मंदिर माला मिशन है, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर जो है 10,000 श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या आती है। इसलिए इसका सुरक्षात्मक कार्य और जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण भी सभी को हम लोग एक मास्टर प्लान के तहत लेंगे। और ये क्योंकि ऐसा धाम है जो निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा देता है, उनका आशीर्वाद है। हमारे सब को अपना आशीर्वाद बनाए, हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं धन्यवाद। बहुत बड़ा काम माँ गिरजा के आशीर्वाद से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको यहाँ पर 3 बड़ी बैठकें यहाँ दी है। उसकी शुरुआत रामनगर से हो रही है, उत्तराखंड के अंदर होने वाली बैठकों और बैठक हो रही है यहाँ पर। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। G20 की 5 प्रमुख बैठकों में से एक बैठक है। इस बैठक से जहाँ आसपास का क्षेत्र, उत्तराखंड का पूरा भौगोलिक परिवेश, हमारे सांस्कृतिक परिवेश, हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व के अंदर जाएगी और उत्तराखंड को निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं